हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आइए हम एक्सरसाइज 5.2 का कल छोड़े थे क्वेश्चन नंबर 6 बना करके, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो लिखा हुआ है सबसे पहले जिसका 11वां पद, यानी गिवन दैट 11वां पद, यानी कि ए 11 बराबर कितना 38। और आपको पता है कि ए 11 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ए प्लस 10d बराबर 38। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर देखिए और सारे पर, और 16वां पद 73 है, यानी कि ए 16 बराबर कितना 73। ए 16 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 15d बराबर कितना 73। इक्वेशन सेकंड, समझ रहे ना, दोनों को इक्वेशन बना लिया है। सवाल को पढ़ते चलिए फिर देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2, आप ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 1 माइनस 2। देखिए ए प्लस 10d बराबर 38 और दूसरा समीकरण है ए प्लस 15d बराबर 73। चलिए दोस्तों अब माइनस कर लेते हैं, ये प्लस में है नीचे माइनस में कर देंगे, ये भी प्लस में है क्या कर देंगे माइनस, ये भी प्लस में ये भी माइनस में कर देंगे। देखिए दोस्तों ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि माइनस 15 और प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस 5d, माइनस 73 और प्लस में 38, यानी कितना हो जाएगा माइनस कीजिएगा तो माइनस 35, ठीक है। माइनस माइनस को हम काट सकते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसी लिखेंगे डी बराबर 35/5, कितने दफा कटता है तो 7×5=35, यानी कि डी बराबर कितना गया 7। डी आपका निकला 7 है। अब देखिए दोस्तों डी निकल गया आपका 7, अब डी का मान समीकरण में रखेंगे। अब डी का मान समीकरण आपकी मर्जी, आप एक में रखो या दो में रखो, एक में रखते हैं, एक में समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है a प्लस 10d बराबर 38, यानी a प्लस 10 एंड d की वैल्यू 7 बराबर 38। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं कितना हो गया a प्लस 10 को 7 से गुणा करें कितना हो गया 70 बराबर 38, यानी a बराबर कितना 38। ये प्लस में उधर जाके माइनस में 70, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 2 और उसके बाद 6 में, यानी कि a बराबर आपका निकला 32। आपका ए और डी दोनों निकल चुका है, देखिए डी यहाँ पे है और ये ए यहाँ पे है, ठीक है। अब कह रहा है 31वां पद, अब बहुत ही इजी हो गया। अब 31वां पद करते, 31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए बोला है ए 31 बराबर, फॉर्मूला होता है ए प्लस 30d, ठीक है। अब देख लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पे है 32 आप प्लस 30 और डी की वैल्यू 7, कितना जाना 32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे आसान है 0 को छोड़ दीजिए 21 और उसमें 0 बैठा दीजिए, यानी 210। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 का 2 हो जाएगा 3×1=4, ये कितना जाएगा 2 का 2 यानी 242, यानी कि ए 31 का वैल्यू कितना निकला, वही पूछ रहा है। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो ए 31 का वैल्यू कितना निकला 242, यही हो गया आपका। चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। चलिए देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस। एक एपी में 50 पद है, कितने पद है टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि गिवन दैट, सबसे पहले थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा लिखेंगे, गिवन दैट मतलब दिया हुआ है कि एपी का तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कितना 12। A3 का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है A3 का फॉर्मूला, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, यानी A प्लस 2D बराबर 12, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर पढ़ेंगे सवाल, और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद सवाल में दिया हुआ है। सबसे देखिए सबसे मुख्य चीज इस सवाल का यही है, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, ये हम इक्वेशन 1 बना लिया है, और दिया हुआ अंतिम पद कितना है 106 है, तो अंतिम पद यानी टोटल टर्म्स कितने हैं, यानी टोटल टर्म 50 है, टोटल टर्म्स कितने हैं 50 है, तो इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा 50, यानी कि ए 50 बराबर कितना
106। क्वेश्चंस का सबसे मेन पार्ट्स, ए 50 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 49 बराबर कितना 106। इक्वेशन सेकंड अब आप झट से निकाल सकते हैं मिनटों में। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके चलिए ए प्लस 2d बराबर कितना 12, ए प्लस 49d बराबर कितना 106। अब देखिए दोस्तों चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस है यानी माइनस, ये प्लस है यानी माइनस, ये प्लस है यानी माइनस, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए ये माइनस में है ना, कितना हो जाएगा माइनस 47d बराबर माइनस में भी आएगा 106 में से हम 12 माइनस करते कितना होगा माइनस 94। फिर आगे बढ़ेंगे इसलिए d बराबर कितना, एक सेकेंड यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर लीजिए, इसलिए d बराबर कितना होगा 94/47। 47 हो जाए 47, 47 टू जा 94 यानी d कितना निकल गया, d निकल गया आपका 2। d आपका कितना निकला है 2, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब d आपका कितना है 2 है। अब हमको a चाहिए सबसे पहले, अब d का मान समीकरण किसमें, एक में रख लीजिए, एक में रखने पर समीकरण एक कहाँ, यहाँ है ना, यानी कि a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 12, यानी कि a प्लस 2 जो 4 बराबर 12, यानी a बराबर कितना 12 माइनस a प्लस में रखे माइनस है 4, यानी कि a की वैल्यू कितना निकला 8। a कितना निकला है, a की वैल्यू आपका है 8। अब फिर देखेंगे उस, अब मेरे पास a भी है d भी है, अब क्या कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कर लें। नाउ अब ए 29 पूछ रहा है ना, ए 29 बराबर क्या होता है ए प्लस 28 डी, यानी ए की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू कितना है 8 प्लस 28 और डी की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 नहीं 56, 814 यानी कितना 64। यही तो हो गया आपका आंसर, ये 29 का वैल्यू कितना आया 64। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है यदि किसी एपी के तीसरे पद और नौवें पद क्रम से दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए गिवन दैट दिया हुआ है कि गिवन दैट यानी कि तीसरे पद, एपी के तीसरे पद यानी ए 3 बराबर कितना हो जाएगा, तीसरे पद यानी 4, तो ए 3 का फॉर्मूला क्या था ए प्लस 2d बराबर 4, ठीक है इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद और कह रहा है तीसरे पद और नौवें पद क्रम से, नौवें यानी कि ए 9 बराबर क्या होगा माइनस 1, यानी ए प्लस 8d बराबर कितना माइनस 8। इक्वेशन सेकंड यानी इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए फिर ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 8d बराबर माइनस 8। चलिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कितना होगा माइनस 6d बराबर कितना, ये प्लस में ये भी प्लस में 8 6 12, यानी कि इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 12 बाय माइनस 6, 6 2 जो यानी d बराबर कितना माइनस 2, d की वैल्यू माइनस में निकला। अब d का मान समीकरण एक में रख लीजिए, अब d का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण का एक यहाँ है ना, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 बराबर कितना 4, यानी a a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 बराबर कितना 4। अब कितना होगा यानी a बराबर 4, आइए माइनस में इधर आके प्लस में, यानी a बराबर 8, यानी a की वैल्यू कितना आया 8 आया, ठीक है। फिर इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल पढ़ेंगे आगे, फिर गिवन दिया हुआ है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, क्या पूछ रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले तो आप कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि a n बराबर कौन सा पद 0, ठीक है, n का फॉर्मूला आप लोग को याद है ना, क्या होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। ठीक है, ए आपके सामने दिया हुआ स्क्रीन पे, ए कितना है, ए एट या क्या चेंज दीजिए, प्लस एन की वैल्यू एन माइनस वन, और डी 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 कितना है, माइनस टू बराबर जीरो। ठीक है, तो एट प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 टू एन, माइनस माइनस प्लस टू बराबर जीरो। अब कास्ट बाय कास्ट कर दीजिए, माइनस टू एन, और देखिए माइनस टू एन एट में एट आ प्लस टू कितना हो जाएगा, टेन बराबर जीरो, यानी कि माइनस टू एन बराबर ये प्लस में इधर आके माइनस का टेन। अब ये कर सकते हैं ना, ये माइनस कैंसिल आउट, और फिर देखेंगे इसलिए एन बराबर कितना होगा, टेन बाय टू, तो काटे कितना होगा फाइव, मतलब कट जाएगा ना, यानी कि एन बराबर पाँच, एन बराबर कितना निकला, एन की वैल्यू निकला आपका पांच, यानी कि पांचवा पद पद शून्य होगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आई मीन सर्वांतर का मतलब जानते हैं, सीटी बोल्ड से यानी कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं, सावांतर का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है ना, अब देखिए ज्ञात कीजिए, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, किसी एपी का 17वां पद यानी कि ए 17 बराबर कितना, 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो देखिए ए 17 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 16d बराबर, ठीक है, ए 10 का क्या होगा, ए प्लस 9d प्लस 7। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये इधर बराबर की सर लाएंगे तो ये कट जाएगा। जैसे देख लीजिए हम इसे, तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा, बिकॉज ये बराबर की सर है तो ये प्लस में और ये माइनस में जाएगा, हटने के बाद कट जाएगा। उसके बाद लिख सकते हैं क्या होगा, 16d ये प्लस में इधर आके माइनस में, 9d बराबर कितना, 7। अब 16 में से हम 9d माइनस करें कितना हो जाएगा, 7d बराबर 7, इसलिए d बराबर कितना होगा, 7/7, कटने के बाद कितना, ये d बराबर 1, यानी कॉमन डिफरेंस यानी cd बराबर कितना है, 1 है। आइए दोस्तों, 10 नंबर सवाल हो चुका, आगे कह रहा है एपी के 3 15 27 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना, हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए ए बराबर कितना होगा 3, डी बराबर कितना होगा, डी निकाल लीजिए 15 माइनस 3 यानी कितना 12। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि ए 54 का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 53 डी, ए प्लस 53 डी, तो ए का वैल्यू कितना है 3, आ प्लस 53 और डी की वैल्यू 12, मतलब 3 प्लस 53 को हम कितना से, सॉरी 53 को आप 12 से मल्टीप्लाई, 3 दुनी 6, 5 दुनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5 कितना देगा, 6 3 5 एक 6, ओके, यानी कि 636 कितना है, 636। ठीक है ना, अब इन दोनों में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 639, यानी कि 854 आपका कितना आया है, 639 आया है। इसलिए इसलिए क्या कर रहा है, इस श्रेणी का, इस श्रेणी का एनवा पद ना, एनवा पद क्या है, एनवा पद आपका, एनवा पद से 100, एनवा पद से लिखा हुआ एनवा पद से 132 अधिक है। देखिए ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है एनवा पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एन यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो एन बराबर क्या होगा, 600, एन बराबर कितना निकला है, 639 प्लस 132। अब देखिए एन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 2 11 का एक हाथ में एक, 3 3 6 1 7, 6 1 7 771। अब देखिए दोस्तों, ए का वैल्यू आपको पता है
इसमें दिया हुआ है 3 प्लस एन की वैल्यू, मुझे एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12, ठीक है, बराबर 771, यानी कि 3। अब देखिए दोस्तों एन माइनस 1 इंटू बारह है ना, बराबर कितना 771, आइए प्लस में के माइनस में, ओके फिर एक कदम आगे बढ़िए, यानी कि एन माइनस 1 मल्टीपल 12 बराबर कितना 771 में से अगर हम कितना सॉरी 1 नहीं 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 68, यानी 768 होगा। उसके बाद फिर देखिए एन माइनस 1 बराबर 768 बट्टा 12, काट सकते ना 12 6 72, 4 12 6 48, यानी कि n माइनस 1 बराबर 64, n बराबर कितना होगा 64, आइए माइनस में जाके प्लस में 1, यानी n बराबर 64 है, यानी कि 65। n पैंसठवां पद से, ठीक है ना, 65वां पद से इसका आंसर यही हो जाएगा, n वैल्यू n की वैल्यू कितना है 65वां पद से अधिक होगा, 65वां पद से 14 पद से 132 अधिक होगा, यही होगा आपका आंसर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको हम हर एक वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो आपकी मतलब विद्यार्थी जीवन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, लाइक कराना ही भूलेंगे।